अजी तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारे प्रॉब्लम जो हमने लास्ट वीडियो में छोड़े थे, देखें वो क्या है। वो मेरे पास है थर्ड वाला क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लॉज ऑफ लॉगरिथम लिख लूँ जो मेरी बहुत हेल्प करते हैं हमारी यानी इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या है, लॉग ऑफ ए एम इंटू एन, ये बराबर हो जाता है लॉग ऑफ ए एम प्लस लॉग ऑफ ए एन के। सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम लिख लेते हैं, वो क्या है लॉग ऑफ ए एम अपॉन एन इज बेसिकली इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए एम माइनस लॉग ऑफ ए एन। थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम मेरे पास क्या होता है कि लॉग ऑफ ए एम रेस्ट टू द पावर एन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एन इन द लॉग ऑफ ए एम। ओके, दीज आर द थ्री लॉज ऑफ लॉगरिथम दैट वी आर गोइंग टू यूज इन दीज प्रॉब्लम्स, राइट। अब हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड उठाता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में फिर क्या लिखा हुआ है, थ्री होल वन अपॉन थ्री। देखिए तो थ्री होल वन अपॉन थ्री को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इस मिक्स्ड फ्रैक्शन है साइड वाले को मल्टीप्लाई करके न्यूमिरेटर से प्लस कर लेते हैं। तो क्या होगा, थ्री थ्री जा नाइन हो जाएगा और प्लस वन अपॉन थ्री हो जाएगा, तो दिस इज बेसिकली टेन अपॉन थ्री। ठीक है, तो टेन अपॉन थ्री मेरे पास लिखा हुआ है, तो मैं इसी को क्या लिख लूंगा, इसी को मैं टेन अपॉन थ्री लिख लूंगा तो मेरे पास आसानी हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख लूंगा कि मेरे पास लिखा हुआ है लॉग ऑफ स्क्वायर रूट टेन अपॉन थ्री। ठीक है, और स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है वन अपॉन टू। तो बेसिकली यही क्वेश्चन है, मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ टेन अपॉन थ्री और उसके ऊपर पावर क्या है वन अपॉन टू। ठीक है, अब यूजिंग द थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम, थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम में क्या है, इफ एम रेस टू द पावर एन किसके बराबर हो जाता है, एन आगे आ जाता है और लॉग ऑफ ए एम हो जाता है। तो आई एम यूजिंग दिस लॉ, आई एम राइटिंग दिस वन। देखिए क्या होगा, वन अपॉन टू आगे आ जाएगा और मेरे पास क्या होगा, जो पावर आगे आ जाता है लॉग ऑफ टेन अपॉन थ्री। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, लेट सी, वन अपॉन टू को मैं ऐसे के ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, अब मैं आपको पता है कि अगर लॉग ऑफ एम अपॉन एन होता है तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ दिस इज द डिफरेंस ऑफ लॉग ऑफ फर्स्ट नंबर एंड द लॉग ऑफ सेकंड नंबर। ठीक है, तो यही हम सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, लॉग ऑफ टेन डिफरेंस लॉग ऑफ थ्री। ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज दैट यहाँ हमारे पास टेन की जो है ना लॉगरिथम का आंसर नहीं है, लेकिन हम यहाँ यूज भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं यहाँ वो लॉ इस्तेमाल करूँ या ये अप्लाई करूँ, चलो वो कर सकता हूँ क्योंकि आपको पता है, चलो मैं जो यहाँ कंडीशन दी हुई है उन्हीं को मैं बाउंड करके इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, तो वो बहुत अच्छा रहेगा कि आपको आइडियाज भी अच्छे आ जाएंगे। ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग कि लोग 10 है ना, तो 10 को मैं कैसे ब्रेक करूंगा, 10 के मैं प्राइम फैक्टराइजेशन जो निकालूं, 2 5 10 और 5 1 5, तो इसका मतलब है 10 को मैं लिख सकता हूं क्या, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो यही मैं यहां चीज यूज कर रहा हूं, 10 को मैं लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हेयर। ठीक है, तो 1 अपॉन 2 इज सेम और 10 को मैं लिखूंगा लॉग ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस लॉग ऑफ 3। ठीक है, अब आपको पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, देखें लॉग ऑफ एम इन टू एन किसके बराबर होता है, लॉग ऑफ ए एम एंड लॉग ऑफ ए एन के। तो आई एम यूजिंग द सेम लॉ हियर, तो मेरे पास क्या होगा 1 अपॉन 2, तो ये प्रोडक्ट के वर्ड में आ जाएगा लॉग ऑफ, ये आपके पास हो जाएगा 2 प्लस लॉग ऑफ आपके पास हो जाएगा 5 माइनस लॉग ऑफ आपके पास क्या आया है, आपके पास आया है 3। ठीक है, नाउ वी हैव द लॉग ऑफ 2 वैल्यू, वी हैव द लॉग ऑफ 5 वैल्यू, वी हैव द लॉग ऑफ व्हाट 3 वैल्यू। सो आई हैव टू जस्ट पुट दीज नंबर द वैल्यू ऑफ दीज थिंग्स हियर, तो मैं क्या करूंगा 1 अपॉन 2 यहां लिख लूंगा। अब लॉग ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, 0.3010, मैं यहां लिख लूंगा 0.3010 प्लस सेकंड वाला क्या है
लॉग ऑफ 3 मेरे पास है 0.4771, तो मेरे पास क्या हुआ 0.4771। तो मेरा थर्ड वाला क्या है, लॉग ऑफ 5 किसके बराबर है 0.6990, तो मेरे पास है डिफरेंस 0. आई थिंक आई हैव मेड अ मिस्टेक, एक मिनट, मुझे लॉग ऑफ 5 की वैल्यू फर्स्ट लिखनी है, सॉरी, तो मुझे पहले लिखनी है लॉग ऑफ 5 की वैल्यू। तो सेकंड स्टेप में मुझे लॉग ऑफ 5 की वैल्यू लिखनी है, जो क्या है, जो है 0.60, ओके, नो 0.6990। डिफरेंस मेरे पास क्या है लॉग ऑफ 3, लॉग ऑफ 3 की वैल्यू है 0.771, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड करके फिर हम डिफरेंस करेंगे इस वैल्यू से, सो लेट्स ऐड देम, एक्चुअली इन दोनों की एडिशन 1 आएगी, सो आई नो, बट ओके लेट्स डू इट, नो प्रॉब्लम। सो व्हाट डू वी हैव 0.6990, और फिर हम ऐड करना है इसको 0.3010, सो वी आर जस्ट गोइंग टू ऐड दीज। तो मेरे पास क्या है 0+0 0 आया, 9+0 तो मेरे पास 10 आया, 0 हेयर 1 हेयर, ओके, तो ये 9 और 1 कितना हुआ 10 एंड 0 ये 10 हो गया, तो 0 हेयर 1 हेयर और 6 और 7 और आपका 10 हुआ, 0 हेयर 1 हेयर, तो आपका क्या आया है 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इससे डिफरेंस करना है 0.447, तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंस करूंगा, डिफरेंस इस वैल्यू से मैं करूंगा 0.4771, सो हाउ वी कैन डिफरेंस इट, देखें यहाँ तो डिफरेंस नहीं हो सकता, 0 है तो वी हैव टू बोरो, तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 10, इसको यहाँ दे दें ये 9 हो गया, यहाँ 10 इसको 1 दे दें ये 9 हो गया, ये 10 1 इसको दे दें ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ठीक है। अब देखें आप जो है 10 से 1 निकालें आपके पास बचेगा 9, 9 से 7 निकालें आपके पास बचेगा 2, 9 से 7 निकालें आपके पास बचेगा 2, 9 से 4 निकालें क्या आपके पास बचेगा 5, और 0.0 से 0 गया आपके पास बचा 0, दैट मींस आपके पास जो वैल्यू आई है यहाँ वो क्या आई है, आपके पास यहाँ जो आंसर आया है वो आया है 1/2, और इसका जो आपके पास आंसर आया है वो क्या है 0.5229, ओके लेट मी राइट इट करेक्टली, यहाँ लिख लेते हैं इसका आंसर, ओके, हाफ ऑफ 0.5229, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बस इसका हाफ निकालना है, ठीक है, तो 0.5229 का हम क्या निकालेंगे, हाफ निकाल लेंगे, ठीक है, इसको फिलहाल आप भुला दें, आपके पास नहीं, आपको 5229 का हाफ निकालना है, तो क्या होगा आपका, 2 का टेबल लगा दें, 2 टाइम 2 टू 4, सॉरी 2 टू आपके पास क्या आएगा 4, तो आपका आंसर आएगा 1, फिर मैंने 2 ले रहा हूँ, 2 6 जा 12, आपके क्या आंसर आया 0, फिर आप 2 लेंगे, 2 1 जा 2, आपके पास आया 2, आपका आंसर क्या आया है 0, फिर आप किसको ले लेंगे, आप 9 को टेबल लगाएंगे, देखें 2 4 8, आपके पास आया 8, आप क्या लेंगे 1, फिर यहाँ पॉइंट दे दें, यहाँ 0 दे दें, ठीक है, उसके बाद 2 5 आपके पास आया है क्या 10, 2 2 5 10, और आपके पास क्या बचा 0, तो आपने टेबल लगाया है 5 टाइम। अब मैं हम अब हमको क्या करना है, बस इस जस्ट पॉइंट को शिफ्ट करना है जी, तो देखें ये हमारे पास जो नंबर है, देखें क्वेश्चन में क्या था कि 4 डिजिट से पहले जो पॉइंट थी, तो हम यही करेंगे, यानी 4 डिजिट से पहले हम पॉइंट देंगे 1 2 3 4, 4 डिजिट से पहले पॉइंट देंगे, यानी उससे पहले 0 देंगे, और ये डिजिट एज इट इज लिख लेंगे, तो क्या आया है हमारे पास 2 6 1 4 5, ठीक है, तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर आ गया हमारे क्वेश्चन का विच वी वर लुकिंग फॉर।